सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ। अभी नहीं, बस लड्डू की एक थाल और, फिर तुम चले जाना सुग्रीव भैया के पास। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, हम निरंतर लड्डू बनाते जा रहे हैं और लड्डू की थाली बढ़ ही नहीं रही है। कहीं हनुमान तो नहीं? किंतु हनुमान तो इधर है ही नहीं। मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने किसी और के कहने पर अपने ही अनुज को इतनी पीड़ा दी। लज्जित हूं मैं अपने कृत पर। नहीं नहीं सुग्रीव, दृष्टि भी नहीं मिला पाऊंगा मैं तुमसे, ना मैं भाई कहलाने के योग्य रहा और ना ही पुत्र। इन पापी हाथों से मैंने अपने ही पिताश्री को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया, अपनी मां को इतना दुख पहुंचाया। महापापी हैं ये हाथ, इन्हीं हाथों से मैंने तुम पर वार किया है। ऐसे हाथों को तो नष्ट ही हो जाना चाहिए, ऐसे हाथों का तो नष्ट हो जाना ही अच्छा है। भैया ऐसा मत करिए भैया, इन्हीं हाथों ने तो मुझे स्नेह दिया है, कितने संकटों से बचाया है मुझे। नहीं सुग्रीव नहीं, मेरी करनी ने मुझे अकेला कर दिया है, बहुत अकेला कर दिया है मुझे। सुग्रीव मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिताश्री, सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। नहीं भैया ऐसा मत कहिए भैया, सत्ता के लोभ का आवरण पड़ गया था मेरे नेत्रों पर। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अपना है, कौन पराया, इन सब का भेद ही नहीं कर पा रहे थे मेरे नेत्र। लंकेश जैसे राक्षस राज को अपना हितैषी मान बैठा मैं, और हनुमान जैसे सबके संकट हरने वाले को अपना शत्रु, और परिणाम देखो, पूर्णतया एकाकी हो गया हूं मैं सुग्रीव। मुझे अपने हृदय से लगाकर, मेरे अश्रु पोंछकर, संतप्त हृदय की पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है सुग्रीव, कोई नहीं बचा आज। बस भैया बस, यदि सत्य में आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो भैया मैं क्या, हम सभी आपके साथ हैं भैया। तुम मेरे वाली भैया नहीं हो। हाँ।
मैं जो भी हूँ तुम्हें तुम्हारे वाली भैया के पास ही ले जाने आया हूँ। तुम मुझे इस प्रकार यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। मैं असुर शिल्पी मायका पुत्र मायावी हूँ। मायावी की माया से कोई पार ना पाया। मायावी को कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। तुम्हारा वो हितेशी वानर भी नहीं। अच्छा तो अब तुमने अदृश्य होना भी सीख लिया। माँ अदृश्य होने का क्या लाभ, आपने तो फिर भी हनुमान को पकड़ लिया। माँ हूँ मैं तुम्हारी। पुत्र अदृश्य हो या कहीं छुपा हुआ हो, माँ को उसकी उपस्थिति का ज्ञात हो ही जाता है। और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग तभी किया करो जब बड़ी आवश्यकता हो, ऐसी क्रीड़ा के लिए नहीं पुत्र। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कान तो छोड़िए। माता मन अंतर अखियान, सुत कर लीला वह पहचान। दे उपदेश सजग जग हीता, राम काज लगी शक्ति पुनीता। करत मारुति क्षमा याचना, लीला धर की सुहावन महिमा। जग देखे यह पावन लीला, माता भावन जग प्रिय सीला। नई शक्ति क्या मिली, तुम्हारे उपद्रव आरंभ हो गए। माँ क्षमा कर दीजिए ना, हनुमान ने ये अपने मित्रों के लिए किया। अच्छा अच्छा इस बार तो छोड़ देती, पुनः ऐसा किया तो कड़ा दंड दूंगी। अच्छा आप अपने हनुमान को दंड देंगी, अपने पुत्र को दंड देंगी। माँ हनुमान हनुमान कुछ लड्डू तो दे दीजिए। हाँ सुग्रीव भैया को भी भूख लगी होगी ना। चलो मुझ महानतम वाली के अनुज, चलो। तुम मुझे इस प्रकार बलपूर्वक ले जाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा परिचय अभी तक हनुमान के साथ हुआ नहीं है। यदि मैंने उसे पुकार ली और वो यहाँ आ गया तो तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें मुझसे वो वानर भी नहीं बचा सकता। चलो। अच्छा हनुमान 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 चलो हनुमान। सुग्रीव भैया पुकार रहे हैं। हनुमान अवश्य वो किसी संकट में होंगे। उस वानर के आने से पूर्व मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। सुग्रीव भैया चले गए। सुग्रीव भैया मैं उन्हें अभी तक यहाँ छोड़कर गया था। विचित्र बात है,
कहाँ गया सुग्रीव? धरती में समा गया या वायु में विलीन हो गया सुग्रीव? उसका तो कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा। सुग्रीव, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र सुग्रीव? हनुमान, तुमने तो उसकी रक्षा का दायित्व लिया था ना? सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। और सूर्यदेव की शक्ति का सुरक्षा कवच भी बनाया था उसके चारों ओर। महारानी माँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा ये बनाया गया सुरक्षा चक्र तो अभेद्य है। सुग्रीव भैया की स्वेच्छा के बिना उन्हें कोई यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। फिर वो कहाँ चले गए? मायावी, मायावी की माया कोई पार ना पाया। हनुमान, मैं तुम्हारे सुरक्षा चक्र के भीतर नहीं जा सकता था, तो मैंने अपने आसुरी शल से सुग्रीव को बाहर आने के लिए वाद्य कर दिया। अब वो मेरा बंदी है। सुग्रीव। मायावी, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया सुग्रीव को? किष्किंधा और कहा? महाराज वाली के पास। यदि सुग्रीव को जीवित देखना चाहते हो तो महाराज वाली के पास आकर क्षमा याचना करो। वो सुग्रीव पर दया कर इसे प्राण दंड ना दें। सुग्रीव! महारानी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मुझे उस आसुरी छल का तनिक सा भी आभास होता तो मैं सुग्रीव भैया को एक क्षण के लिए भी एकाकी छोड़कर नहीं जाता। और तब वो असुर मेरे सुरक्षा चक्र से सुग्रीव भैया को कदापि बाहर नहीं निकाल पाता। परंतु मैं क्या करूँ? इतनी अभागिन माँ हूँ मैं। मेरा एक पुत्र दूसरे पुत्र के साथ शत्रुवत व्यवहार करके उसके प्राण हरना चाहता है। और वाली ने कहा था कि वो सुग्रीव को जीवित नहीं रहने देगा। यदि उसे नहीं रोका गया तो अवश्य ही वो सुग्रीव का संहार कर देगा। हनुमान, अब कैसे रक्षित होगा सुग्रीव? कैसे रक्षित होगा?
चिंता मत कीजिए महारानी जी, सुग्रीव को कुछ नहीं होगा। महारानी अंजना, आप तो स्वयं एक माँ हैं। आप मेरा और एक माँ का दुख समझ सकती हैं। जब सुग्रीव हनुमान द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र में सुरक्षित नहीं रह सका, महामाली के क्रोध से उसकी रक्षा कौन करेगा महारानी? महाराज केसरी जी ने वचन दिया था मुझे कि यहाँ मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। खंडित हो गया मेरा विश्वास। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर बहसर मेरे पुत्र को यहाँ से ले गया। हनुमान, तुम तो संकट मोचन हो, सबके संकट हरते हो, किंतु तुम भी मेरे पुत्र अपने अग्रज समान सुग्रीव को सकुशल नहीं रख पाए। भंग हो गया महाराज केसरी जी का वचन। महारानी माँ, हनुमान आपको विश्वास दिलाता है कि सुग्रीव भैया को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। हनुमान अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव भैया को सुरक्षित लौटा लाएगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें बाली के पास जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। बाली की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। सारे संसार तुम संकट मोचन हो हनुमान, किंतु इस माँ के लिए तुम मात्र उसके लाल हो। मुझे तुम्हें स्वयं को संकट में डालने से रोकने का अधिकार है। माँ, मुझ पे विश्वास कर, पिताश्री ने महारानी माँ को सुग्रीव भैया की सुरक्षा का वचन दिया था। हनुमान इस विश्वास को कैसे झुठला सकता है? परंतु हनुमान, सुग्रीव की रक्षा करने का क्या और कोई मार्ग नहीं है? माँ, यदि कोई और मार्ग होता तो हनुमान आपकी आज्ञा मानकर अवश्य रुक जाता। परंतु यदि आज मैं नहीं गया तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपकी आज्ञा के बिना हनुमान कुछ नहीं करेगा। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। माँ, संकट कैसा भी हो माँ, परंतु जो उचित है, धर्म उचित है, उसका साथ देने के लिए संकटों से संघर्ष कर उन पर विजय पाने की शक्ति मुझे आपसे ही प्राप्त होती है। माँ, जब माँ का आशीर्वाद साथ है तो आपका ये पुत्र कैसे असफल हो सकता है? हनुमान को आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं शीघ्र ही सुग्रीव भैया के साथ आपके पास लौट आऊं। प्रणाम माता। प्रणाम नानी। हे प्रभु, पुत्र हनुमान और पुत्र सुग्रीव की रक्षा कीजिए।
महावर शिवाली हनुमान को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा, मुझे उसको लेकर भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी सुग्रीव को लेकर। पता नहीं वाली के कुविचार उसको क्या करने के लिए प्रेरित कर दे। मेरा हृदय भावी अनिष्ट की कल्पना से आतंकित, हसुरों की शक्ति प्राप्त वाली की शक्तियां और भी बढ़ गई। माँ, संभव है कि वहां हनुमान को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। हमें भी केसरी जी को लेकर यथाशीघ्र किष्किंधा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पुत्र मोह में विवश होकर मैं ये क्या कर बैठी? युद्ध की अवस्था में हनुमान वाली का वध नहीं करेगा, इस वचन से बांधकर मैंने हनुमान को वाली के समक्ष भेजकर हनुमान के जीवन को एक बड़े संकट में डाल दिया। किस विचार में मग्न हो हनुमान? ओहो, समझ गया। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने तो मेरे पिताश्री को किष्किंधा के राज सिंहासन पर पुनः स्थापित कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ कैसे आसीन हूँ? हनुमान, मेरे महानतम वाली को मात्र इसी सिंहासन पर नहीं अपितु समस्त वन राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार है। जब भी मेरी इच्छा होगी, मैं अपनी शक्ति से समस्त वन संघ के सिंहासन पर स्वयं को स्थापित कर लूंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। वाली भैया, हनुमान को इस समय सुग्रीव भैया की ही चिंता है, कृपया बता दीजिए कि वो कहाँ है। हाँ, ज्ञात है मुझे। तो मैं अपने सुग्रीव भैया से बहुत प्रेम है ना? वाली भैया, आप हनुमान से बड़े हैं, हनुमान आपका आदर करता है। वाली भैया, यदि बड़े कुछ अनुचित कर्म करें तो उनको रोकना हम छोटों का भी कर्तव्य है। वाली भैया, इस समय आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि मैं सुग्रीव भैया की रक्षा कर पाऊं। हनुमान आपसे विनम्र आग्रह करता है, कृपया बता दीजिए सुग्रीव भैया कहाँ हैं? वो सुरक्षित तो हैं? अपने सुग्रीव भैया को तुम तो सुरक्षित नहीं रख पाए हनुमान, तुम्हारा सुरक्षा चक्र भी व्यर्थ हो गया। परंतु महानतम वाली के पास पूर्णतः सुरक्षित है। वाली भैया, मेरे सुग्रीव भैया से भेंट करवा दीजिए, मैं स्वयं अपने नेत्रों से उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? इतने अधीर हो ना तुम अपने सुग्रीव भैया से मिलने के लिए, वाली तुम्हें उससे अवश्य मिलवाएगा। चलो मेरे साथ। सुग्रीव भैया कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप सुग्रीव भैया? सकुशल तो हैं? धैर्य रखो हनुमान, अपने सुग्रीव भैया से मिलने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो तुम? अभी दर्शन हो जाएंगे तुम्हें उनके। वाली भैया,
शीघ्र बताइए ना, मुझे उनकी चिंता हो रही है, बताइए ना कहाँ है वो। देखो उस दर्पण को, देखो हनुमान, हनुमान। हनुमान तुम यहाँ क्यों आ गए? भाली भैया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे। मुझे इस मायावी दर्पण में बंधक बनाने का उनका कारण यही है। मैं कैसे नहीं आता सुग्रीव भैया? आपकी कठिनाई दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। पिताश्री ने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है और उस वचन को पूर्ण करने का मैंने प्रण लिया है। हाँ? वचन दिया है काका केसरी ने? हाँ, कोकट ने बताया था मुझे उस वचन के बारे में। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। परंतु जब तुम अपने वचन को अपने ही राज्य सुमेरु में ही नहीं पूर्ण कर सके, तो फिर यहाँ महानतम वाली के किष्किंधा के राज्य में कैसे निभाओगे उसे? वाली भैया, मैं सुग्रीव भैया को यहाँ से शीघ्र ही मुक्त कराकर अपने साथ सुमेरु ले जाऊंगा। ओ, इतना विश्वास है तुम्हें स्वयं पर? तो ठीक है, प्रयास करके देख लो, मुक्त करा लो अपने प्रिय सुग्रीव भैया को। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, हनुमान। क्या हुआ हनुमान? इस दर्पण को देख के इतने विचलित क्यों हो गए तुम? जाओ प्रवेश करो इसमें और रक्षा करो अपने प्रिय सुग्रीव भैया की। परंतु उससे पूर्व इतना जान लो कि तुम अपनी वरदानी शक्तियों से इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आसुरी शक्तियों से उत्पन्न मायावी दर्पण है ये, जिसमें मैंने तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया को बंधक बना के रखा है। हनुमान, यदि तुम चाहो तो पुनः प्रयास कर सकते हो, परंतु इतना स्मरण रखना कि जितनी शक्ति से तुम इस दर्पण से टकराओगे उतनी ही पीड़ा होगी सुग्रीव को। और यदि तुमने अपनी शक्ति से इस दर्पण को तोड़ दिया तो उसके साथ ही सुग्रीव भी
अपने प्राणों से वंचित हो जाएगा। माली भैया, माली भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अवश्य मुक्त कर दूंगा। परंतु मुझे उसके लिए तुम्हारी विनती नहीं, कुछ और चाहिए। माली भैया, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, परंतु आप सुग्रीव भैया का हित मत कीजिए। तो ठीक है, यदि तुम मुझसे द्वंद युद्ध करके मुझे पराजित कर दोगे तो मैं सुग्रीव भैया को मुक्त कर दूंगा, अन्यथा वो मेरा बंदी रहेगा। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? तुम्हें युद्ध करना ही होगा, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष ही नहीं है तुम्हारे पास। नहीं हनुमान, हनुमान ऐसा मत करना। वाली भैया पुनः तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, मेरे साथ आहित होने की चिंता से तुम विचलित मत होना। भले ही मेरे प्राण चले जाए, हनुमान पर इनके साथ युद्ध मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी आदि शक्ति इनमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी और तुम्हारा उन्हें पराजित करना असंभव हो जाएगा। हनुमान मरकट, मत सुनो उसकी बात, मेरी युद्ध की चुनौती स्वीकार करो और अपने प्रिय सुग्रीव भैया को मेरे इस मायावी दर्पण के बंधन से मुक्त कराकर उनके जीवन की रक्षा करो। वाली, पुत्र वाली, तुमने पुत्र सुग्रीव को इस दर्पण में क्यों बंधक बना के रखा है? तुम्हारी माँ तुमसे, अपने पुत्र से, तुम्हारे भाई के जीवन की भिक्षा मांग रही है, उसे मुक्त कर दो वाली। नहीं, कोई माँ नहीं है मेरी। जिस क्षण आपने मेरे ऊपर उस सुग्रीव का चुनाव कर लिया था, उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरी मां नहीं रही। अब आप मात्र सुग्रीव की मां है। मां, ये तुम्हारे विवेक को क्या हो गया है पुत्र वाली? अपनी माँ के पवित्र स्नेह का अपमान कर रहे हो तुम। शांत, काका केसरी जी, आप महाराजा नहीं है यहाँ, मेरे राज्य में खड़े हैं आप, और यहाँ बिना अनुमति के आपको कुछ भी कहने की छूट नहीं है। बस वाली, बस। राज सिंहासन से लगाओ तो वो मैंने तुम्हें सौंप दिया, किंतु तुम मर्यादाओं की समस्त सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। राज धर्म का निर्वाह ऐसे नहीं होता पुत्र। रस्सी जल गई परंतु ऐठन ना गई। इस प्रकार मेरी अवज्ञा कर आप ये भूल रहे हैं पिताश्री, कि आपको पुनः कारावास ना भेजकर मैंने आप पर दया की है। परंतु
यदि आपने महानतम वाली के साथ दृष्टता करने का दुस्साहस किया तो आपको पुनः बंदी बनाने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। वाली भैया, ये आप जो कह रहे हैं वो अनुचित है। बड़ों का अनादर मत कीजिए। अनादर? बड़ों का कर रहा हूं मैं और करता रहूंगा, परंतु यदि तुम चाहो तो मुझे ऐसा करने से रोक सकते हो। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? यही एकमात्र मार्ग उपलब्ध है तुम्हारे पास। जिससे तुम सुग्रीव की भी रक्षा कर सकते हो और मुझे अपने बड़ों का अनादर करने से रोक सकते हो। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? मुझे ज्ञात था तुम मुझसे युद्ध करने में सक्षम ही नहीं हो। जाओ हनुमान, जाओ, ओझल हो जाओ मेरी दृष्टि से और अपनी बुद्धि से सुग्रीव की रक्षा करने का विचार भी ओझल कर दो। भूल जाओ कि वो यहां इस मायावी बंधन में बंदी है। उसकी मृत्यु तो अब निश्चित है और यदि मैंने स्वयं इसको खंडित नहीं किया तो जल और भोजन के अभाव से वो शीघ्र ही काल का ग्रास बनेगा। हाँ, कोकट ने बताया था मुझे कि तुम्हारे पिता श्री काका केसरी जी ने सुग्रीव की माता को उसकी रक्षा का वचन दिया था। भूल जाओ उस वचन को। मैंने तो यह भी सुना था कि काका केसरी जी ने प्रण लिया था कि यदि वो सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सके तो वो स्वयं अपने हाथों से अपना ये राजमुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख देंगे। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी महानतम वाली को, विलंब मत कीजिए। उतारिए अपना राजमुकुट अपने मस्तक से और उसे रख दीजिए यहां महानतम वाली के चरणों में। कोकट, यहां आओ। जी महाराज। ले जाओ इन सबको कारागार में और बंद कर दो। काका केसरी जी, आप तो अपने वचन पर सदैव फिर रहते हैं ना? तो फिर इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं आप? सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। हाँ,
काका केसरी जी। प्रतीत होता है जैसे दोनों पिता पुत्र को सर्प सूंघ गया हो। क्या हुआ? आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पुत्र हनुमान ने मेरे समक्ष घुटने टेक दिए हैं। यदि आपका पुत्र मुझसे युद्ध नहीं करेगा तो आपका वचन तो व्यर्थ हो गया ना। अब आप मुझसे सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उतारिए अपना राज मुकुट, अन्यथा मैं कोकट से भी यह कार्य करवा सकता हूं। यदि आपके हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है तो मैं कोकट को आज्ञा देता हूँ कि वो आपकी सहायता करे, वो इस राज मुकुट को आपके मस्तक से उतार दे। ये अब आपको शोभा नहीं देता। बस, 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 बस वाली भैया रुक जाइए। आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए हनुमान आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। बस वाली भैया रुक जाइए। आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए हनुमान आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। हनुमत सुत है आज्ञाकारी, जनक जननी सम्मान रखारी। सब जन के रक्षक हनुमाना, रखते शीश निबल कर माना। धर्म शांति मर्याद रखैया, हनुमत जग कर बनत सहैया। कोई चले मार्ग धर्म के, मारुति धर्म योद्ध करे उससे। अंततः मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव तो पड़ा तुम पर, तुम्हारे भीतर साहस का संचार तो हुआ। और अब जब हम युद्ध करने ही वाले हैं तो फिर उसके नियम भी स्थापित कर लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब मैं यथार्थ में देख रहा हूं। पुत्र वाली, तुम क्या चाहते हो भोले भाले हनुमान से? हाँ, ये मरकट हनुमान भोला भाला नहीं है, अत्यंत शक्तिशाली है ये। और अब इस युद्ध में इस मरकट को पराजित कर मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि मुझ में इससे कहीं अधिक शक्ति है। वाली भैया, अब कुछ और सुनना कहना व्यर्थ है। हमारा युद्ध होगा ये तो निश्चित हो चुका है। आप उसके नियम स्थापित कर रहे थे। इतनी बार अस्वीकार करने के बाद अब युद्ध के लिए तुम्हारी उत्सुकता देखकर वाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुनो मरकट, इस युद्ध के नियम कुछ इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम दोनों ही योद्धा अपने समर्थकों और सहयोगियों का चुनाव करेंगे, और ये मैं घोषणा करता हूं कि मैं
असुरों का सहयोग प्राप्त करूंगा। असुरों का साथ और आप वाली भैया, हमारा दुर्भाग्य है। हमें तो साथ मिलकर अपनी शक्ति को एकत्रित कर असुरों से युद्ध करना चाहिए था, परंतु उस मायावी ने जब सुग्रीव भैया का अपहरण किया था तब मुझे आभास हो गया था कि आप आसुरी शक्तियों का साथ दे रहे हैं। पुत्र वाली, यदि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते हो तो अवश्य करो, किंतु राक्षसों का साथ लेकर अधर्म के मार्ग पर आगे ना बढ़ो पुत्र, उसमें तुम्हारा विनाश निश्चित है। हाँ वाली भैया, आप किसी को भी अपने साथ चुन लीजिए, परंतु राक्षसों का ध्येय प्रभु के कार्य में व्यवधान डालना है और हरि भक्तों को परेशान करने में उन्हें बहुत आनंद आता है, ये धर्म के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए मरकट, मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। तुम बताओ, तुम किसका सहयोग प्राप्त करोगे? मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। उनके आशीष से मुझे बल प्राप्त होता है जिससे मैं संसार की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम किसी का सहयोग ना लेने का निश्चय करने की मूर्खता कर रहे हो तो ये तुम्हारा निश्चय है, परंतु मैं आसुरी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करूंगा और ये मेरा निश्चय स्थिर है। नहीं वाली, यह अन्यायपूर्ण होगा। हनुमान के विरुद्ध युद्ध में तुम आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रणाम वायुदेव। आप सबका कल्याण। वायुदेव, यह युद्ध मेरे और हनुमान के मध्य है और इसमें हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वाली, तुमने हमारा अपमान किया, हमने उसे स्वीकार किया, किंतु तुम वायुदेव का अपमान करने का उद्दंड नहीं कर सकते। वायुदेव, वाली भैया मेरे अग्रज हैं, वो अपनी शक्ति के अहंकार से भ्रमित हो चुके हैं, उनके इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बस मरकट, बस। महानतम वाली किसी से भी क्षमा नहीं मांगता और तुम्हें भी उसकी ओर से किसी से क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भी समय है, मैं तुम्हें पुनः सचेत कर रहा हूँ, अपने अहंकार को त्याग कर धर्मोचित व्यवहार कर, अन्यथा तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे लिए विनाश का कारण अवश्य बने। इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए वायुदेव, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि कौन विजयी होगा और किसका पतन होगा। वाली भैया, वायुदेव का अपमान कर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बताइए इस युद्ध का कोई और नियम है क्या? हाँ, एक अंतिम नियम। हमारा यह युद्ध प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु या निश्चित पराजय होगी। मुझे स्वीकार है वाली भैया।
कलंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे वाली, तुमने सभी मर्यादाओं का हनन किया है, अपने बड़ों का निरादर और तिरस्कार किया है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारा द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का तुम उल्लंघन नहीं करोगे? वायुदेव, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आप प्रस्थान कीजिए यहाँ से। वाली, मैंने तुम्हारी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया, परंतु तुमने मेरा भी अपमान किया। अवश्य ही तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो और शीघ्र ही तुम्हारे दम का परिणाम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा। मेरा आशीर्वाद हनुमान के साथ। विनाश करेगा वाली अपने समक्ष आने वाली प्रत्येक विरोधी शक्ति का। मानता हूं मैं मरकट, कल सूर्योदय की वेला में हमारा युद्ध और तुम्हारे सर्वनाश का प्रारंभ होगा। भैया, मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, परंतु उसके पूर्व आपको वचन देना होगा, हमारे इस द्वंद युद्ध के अंत होने तक सुग्रीव भैया का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात स्वीकार है मुझे? बोकट, सभी वन राज्यों के वानरों को आमंत्रित करो, वो यहाँ आकर हमारे द्वंद युद्ध और उसके परिणाम के प्रत्यक्ष दर्शी बने। वो अपने नेत्रों से हनुमान की पराजय और काका केसरी जी के मुकुट को मेरे चरणों में पड़ा हुआ देखें। हनुमान, अब जितनी इच्छा हो उतना आशीष ले लो अपने माता पिता से। कल युद्ध भूमि में तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। वाली अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु हनुमान को पराजित करना इतना सहज नहीं। इस युद्ध में जिसकी विजय होगी वही सर्वशक्तिशाली प्रमाणित होगा।
आज महाबली हनुमान और युवराज वाली के मध्य भयंकर युद्ध होने वाला है। देखो, युद्ध स्थल के मध्य में इन दोनों की गदाएं रखी हैं और जैसे ही ये उन्हें उठाकर एक दूसरे पर वार करेंगे, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युवराज वाली के नेत्रों को देखो, जैसे घृणा और क्रोध की ज्वाला से धधक रहे हों। अनेक प्रकार के वरदान मुझ में समाहित हैं। अनेकों बार युद्ध अस्वीकार कर मुझसे बचता रहा है ये मरकट। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। हनुमान, तुम यहाँ क्यों आ गए? वाली भैया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। बस बस, वाली भैया से ही अनावश्यक युद्ध करने के लिए विवश है हनुमान। सुग्रीव भैया के प्राण की रक्षा और अपने पिताश्री के वचन को पूर्ण करने का और कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है वाली भैया ने। मरकट, अब होगा हमारा युद्ध। तुम्हारी आधी शक्तियाँ प्राप्त कर तुम्हें पराजित करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे समस्त वन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से। कैसा दुर्भाग्य है, अपने वाली भैया पर वार करना होगा हनुमान को। नहीं, मुझे पुनः वाली भैया से अनुरोध कर इस निरर्थक युद्ध को थामने का प्रयास करना चाहिए। वाली भैया, आप हनुमान के अग्रज हैं। हनुमान आपसे अपार स्नेह करता है। वाली भैया, हनुमान आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। वाली भैया, हनुमान का ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए। शांति पूर्वक एक बार पुनः विचार कर लीजिए। सुग्रीव भैया को मुक्त कर इस व्यर्थ युद्ध को टाल दीजिए। टाल दूं ये युद्ध? जाने दूं तुम्हें यहाँ से? अपने परम शत्रु को। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रमाणित करने का अवसर गवा दूं? मरकट, मूर्ख समझा है महान तम वाली को? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। महान तम वाली अपने निश्चय पर अडिग है। यह युद्ध भी होगा और महानतम वाली के हाथों तुम्हारी पराजय भी। अहंकार क्रोध ईर्ष्या भर आया, हृदय वाली ने कलुषित पाया। वाले योद्ध में रचे कुनीति, हनुमत हृदय निश्चल सुनीति। हनुमत वाली से रखते प्रीति, वाली मन में बसे कुरीति।
विषधर चंदन लिपटे रहते, किंतु चंदन विष में ना होते। माता हूँ तुम्हारी हनुमान, तुम्हारा हृदय कितना निष्कपट और निर्मल है। जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भ्राता समान वाली से युद्ध करने में कितनी वेदना हो रही होगी, किंतु वाली अपना हठ नहीं त्यागने वाला। अपना अस्त्र उठाओ पुत्र। सत्य, यदि वाली पराजित हो गया तो उसका अंत हो जाए, और यदि वो जीत गया तो सुग्रीव का वध कर। दोनों ही अवस्थाओं महाराज ऋक्षराज और महारानी को अपने दोनों पुत्रों में से एक पुत्र को खोना ही होगा। मैं हनुमान के लिए बहुत चिंतित हूं, किंतु उस मां के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसके दोनों पुत्रों के जीवन संकट में हो और केवल एक की ही प्राण रक्षा हो सके। मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा, तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा।